हेलो फ्रेंड्स, मैं इम्तियाज और स्वागत है टेक्निकल सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम BSMI कंपैरिजन करने वाले हैं Realme 9 5G SE और Infinix Zero 5G 2023 का। सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे। गाइस, इन दोनों फ़ोनों का प्राइस है अभी कम गया है, कार्ड वार्ड लगा के दोनों फ़ोन है ना 15,000 के रेंज में मिल रहा है। तो बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज है कि इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए, BSMI के लिए कौन अच्छा गेम प्ले निकाल के देगा, कौन तगड़ा चलता है, किसका प्रोसेसर कैसा है। इन दोनों फ़ोनों को लेकर जो भी आपका डाउट है ना, वो सारे क्लियर कर दूंगा। तो क्या करना है आपको, वीडियो को एंड तक देखना है। गाइस, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये दोनों फ़ोनों में से कौन सा बेस्ट है BSMI के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Realme 9 5G SE में डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। और गाइज, वहीं पे Infinix Zero 5G 2023 का बात करें तो वहां पे भी आपको 6.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। तो गाइज, डिस्प्ले के मामले में ये दोनों फ़ोन है वो इक्वल है। तो गाइज, यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो Realme 9 5G SE में स्नैपड्रैगन का 778G 5G प्रोसेसर मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस है। और गाइज, वहीं पे बात करें Infinix Zero 5G में तो वहाँ पे MediaTek Dimensity का 920 5G प्रोसेसर मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस है। तो गाइज, प्रोसेसर के मामले में Realme 9 5G SE में Infinix Zero से ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक गेमिंग के लिए बेस्ट है। तो गाइज, यहाँ पे प्रोसेसर के मामले में Realme 9 5G SE वो बेस्ट है Infinix Zero 5G SE से। और गाइज, मैंने इन दोनों फोनों का अंधत्व स्कोर चेक किया तो गाइज, Realme 9 5G SE का जो अंधत्व स्कोर आया है वो आया है 541,000 के समथिंग। वहीं पे गाइज, Infinix Zero 5G 2023 की बात करें तो वहाँ पे अंधत्व स्कोर आया है 457,966। तो गाइज, इन दोनों फोनों में से जो प्रोसेसर सबसे ज़्यादा तगड़ा है वो है Realme 9 5G SE का, क्योंकि गाइज इसमें स्नैपड्रैगन का 778G 5G प्रोसेसर मिलता है। और गाइज, इसका अंततु स्कोर भी Infinix Zero 5G SE से ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे जो गेमिंग के लिए एक प्रोसेसर बेस्ट है वो है Realme 9 5G SE का। और गाइज, यहाँ पे बैटरी की बात करें तो Realme 9 5G SE में 5000 mAh का बैटरी मिलता है और साथ में 30 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। और गाइज, Infinix Zero 5G SE में बैटरी की बात करें तो यहाँ पे भी 5000 mAh का बैटरी मिलता है और 33 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। और गाइज, चार्जिंग के मामले में जो दोनों फ़ोन है ना वो साथ में ही एक साथ चार्ज होता है, कोई भी इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो दोनों का टाइमिंग सेम है चार्जिंग में। और गाइज, यहाँ पे बात करते हैं इस फ़ोन का रिफ्रेश का। Realme 9 5G SE में आपको रिफ्रेश 144 का रिफ्रेश रेट मिलता है और वहीं पे Infinix Zero 5G में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश मिलता है। तो गाइज, रिफ्रेश रेट के मामले में यहाँ पे जो Realme 9 5G SE बेहतर है Infinix Zero 5G SE से। और गाइज, कैमरे की बात करें तो Realme 9 5G SE में बैक में ट्रिपल कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का, और गाइज फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और गाइज, वहीं पे बात करें Infinix Zero 5G SE में तो यहाँ पे भी बैक का कैमरा ट्रिपल कैमरा मिलता है, जो कि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, और गाइज यहाँ पे फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। तो कैमरे के मामले में गाइज दोनों इक्वल है, बस 2 मेगापिक्सल कैमरा ज़्यादा मिलता है Infinix Zero 5G SE में। और गाइज, यहाँ पे BSMI ग्राफिक की बात करें तो Realme 9 5G SE में स्मूथ में एक्सट्रीम सपोर्ट करता है, वहीं पे Infinix Zero 5G में भी स्मूथ में एक्सट्रीम सपोर्ट करता है। और गाइज, यहाँ पे बात करते हैं जायरो का, तो दोनों डिवाइस में नो डिले जायरो, गाइज जायरो प्रॉपर काम करता है, एक भी डिले नहीं है। हीटिंग के मामले में गाइज, यहाँ पे Realme 9 5G SE थोड़ा ज़्यादा हीटिंग होता है, लेकिन आप फैन के सामने गेम खेलिएगा तो वो हीटिंग इशूज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो गाइज, ओवरऑल अगर आप इन दोनों फ़ोनों में से बाई करना चाहते हैं कोई भी एक सा फ़ोन, तो आपको बाय करना चाहिए Realme 9 5G SE, क्योंकि गाइज ये फ़ोन है ना एक तगड़ा प्रोसेसर मिलता है, प्लस में रिफ्रेश रेट भी सही देता है। और गाइज, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी गेम खेलेगा तो आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, बस थोड़ा हीटिंग होता है। तो अगर आप फाइन के सामने आप गेम खेलिएगा ना, तो वो हीटिंग इशूज़ है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो गाइज, अगर आपको बाय करना है तो Realme 9 5G SE बाय कीजिए, क्योंकि गाइज मैं ये जो फ़ोन है ना पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को अभी एक साल में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, अच्छा गेम प्ले निकाल कर देता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए, ताकि हम कोई भी गेम से टेक से रिलेटेड वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।